हमारे बूमा बदल को पुलिस ने टियर गैस से मारा, लाठी चार्ज किया। उस समय वायलेंस नहीं हुआ था। हमारे तीपरा साहब को पीटा गया एमपी में, तुईदू में। उस समय आपने पुलिस का इस्तेमाल किया। विश्वजीत देवर्मा को जब मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ है आज तक? मंत्री लाल काइपेंग को मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ है आज तक? माधव बारी में जो 5 लोगों को गोली मारा गया, आज तक कोई सस्पेंड हुआ? अगरतला में हेलमेट स्क्वाड घूमता है, लोगों को मारता है, मोबाइल कैमरा ओपन डे लाइट में सबके सामने, कोई अरेस्ट हुआ है? तो जो लोग कांच के घर में रहते हैं, उनको समझना चाहिए। आपके लीडर लोगों ने पब्लिक में जाकर एनआरसी केस के नाम में लाख लाख रुपया कलेक्ट किया। गरीब गरीब परिवार ने अपने घर से चंदा दिया एनआरसी केस के लिए। आज क्या हो रहा है? जिनीवा जाने के लिए, यूनाइटेड नेशन जाने के लिए गरीब लोगों ने लाख लाख रुपया दिया, आज कहां है आपका वो डिमांड जो आपने जिनीवा में रखा था? तीपरा साहब पब्लिक इमोशनल है, दिल से काम करते हैं, लेकिन हमारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारे बूमा बदल को पुलिस ने टियर गैस से मारा, लाठी चार्ज किया। उस समय वायलेंस नहीं हुआ था। हमारे तीपरा साहब को पीटा गया एमपी में, तुईदू में। उस समय आपने पुलिस का इस्तेमाल किया। विश्वजीत देवर्मा को जब मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ है आज तक? मंत्री लाल काइपेंग को मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ है आज तक? माधव बारी में जो 5 लोगों को गोली मारा गया, आज तक कोई सस्पेंड हुआ? अगरतला में हेलमेट स्क्वाड घूमता है, लोगों को मारता है, मोबाइल कैमरा ओपन डे लाइट में सबके सामने, कोई अरेस्ट हुआ है? तो जो लोग कांच के घर में रहते हैं, उनको समझना चाहिए। आपके लीडर लोगों ने पब्लिक में जाकर एनआरसी केस के नाम में लाख लाख रुपया कलेक्ट किया। गरीब गरीब परिवार ने अपने घर से चंदा दिया एनआरसी केस के लिए। आज क्या हो रहा है? जिनीवा जाने के लिए, यूनाइटेड नेशन जाने के लिए गरीब लोगों ने लाख लाख रुपए दिया, आज कहां है आपका वो डिमांड जो आपने जिनीवा में रखा था? तीपरा साहब पब्लिक इमोशनल है, दिल से काम करते हैं, लेकिन हमारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।